अब देखो यहाँ पे ग्राम्स एंड किलोग्राम्स देखो यहाँ पे कि अब हमें नेमो, ग्राम्स ग्राम्स, नेमो, नेम एंड गलोग्राम्स नेम थिंग्स दैट वी यूजली बाय जो हम ऐसे फाइव नेम फाइव चीज़ें के नाम आपको जो थिंक करके कि हम रोज बल, एवरी डे हम यूज करते हैं जैसे कि इन ग्राम्स में हम क्या यूज करते हैं देखो है हमने आ, क्या बोलते हैं उसे जो इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स ओके जैसे कि ग्राम्स में क्या है कैंस्यूफ नट्स आलमंड्स ग्रेप्स ड्राई ओके जैसे कॉफ़ी पैकेट्स टूथपेस्ट टूब ओके okay? जे ये सब ग्राम में आते हैं और ये हम डेली एवरी डे हम यूज़ करते हैं यानी इन किलोग्राम जैसे कि हम अब हम वेजिटेबल्स में जैसे कि ओनियन पोटैटो वेट राइस शुगर जो ये सब हम यूज़ करते हैं ओके स्टूडेंट्स जो ये आपको अपनी बुक में लिखना है ओके नेक्स्ट विच इज है, है ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सी चीज भारी है ये बतानी है विच इज है ऑन किलोग्राम कॉटन और वन किलोग्राम ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बताना है थिंक करके कौन सी चीज हैवीएस्ट है एंड है कौन सी चीज लाइट है जैसे कि वन वन किलोग्राम कॉटन और वन किलोग्राम इरोन ओके स्टूडेंट्स जैसे कि अब अब आगे देखो सो so, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताएं जैसे कि देखो यहाँ पे द वेट ऑफ वन के जी कॉटन एंड वन के जी इरोन इन इक्वल इज इक्वल दोनों इक्वल किल वन किलोग्राम्स वन किलोग्राम्स दोनों यानी इक्वल ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट ओ आ दिखा है पता है ना आपको इज इक्वल सर सी थ्रो अ हैवी वाटर मेलन एट मी ओके यहाँ पे क्या बताया देखो सर उसने वेट्स यानी थ्रो यानी हैवी हैवी वोटर मेलन वाटर मेलन हो उसे मेरी ऊपर उसने फेंका ओके okay? तो यहाँ पे देखो ही थ्रो अ वन के जी पिलो ऑफ कॉटम जैसे कि यहाँ पे बताया कि वन किलोग्राम कॉटन पीलू ही फेंका है जो वन के का ही था सो आई थ्रो अ वन के जी वॉटर मेलन ओके okay? सो so, उसने उस पर फेंका था जो मैंने आज उस पर वन के जी वॉटर मेलन उस पर थ्रो किया जैसे यस्टरडे साइड डेट द वेट ऑफ वन के जी कॉटन एंड वन के जी मेलन इज इक्वल आप उसे ये बोल रही है कि सर आपने ही बोला था कि वन के जी वॉटरमेलन एंड वन के जी कॉटन दोनों इक्वल ही होते हैं यानी वन के जी है जो इक्वल ही होते हैं ओके okay वेंट शॉपिंग ओके okay? सो so यहाँ पे दिनेश शॉपिंग करने गया है दिनेश वेंट टू शॉप शॉप एंड बउट सम थिंग्स दिनेश ने बहुत सारी चीजें उसने खरीद खरीद ली है okay? ओके कहीं ज्यादा जो उसने शॉप में से खरीदी है ंगर ब्रदर कट दिल वेर दर्ड वेयर रिटर्न ओके सो यहाँ पे उसके बिग ब्रदर ने उसने रंगर यानी कौन सा वाला बोलता है बताओ छोटा वाला ओके okay? यानी छोटा वाला भाई है जो उसने लास्ट में जो ग्राम के जी या जी में लिखा हुआ था वो उसने फाड़ दिया ओके okay? जो यहाँ पे उसने कट कर दिया है नेक्स्ट गेज एंड राइट द वेड्स ऑफ इच थिंग बॉट इन g और के जी ओके स्टूडेंट्स सो ये आपको टेबल अपनी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है ओके okay? सो so, अब ये ड्रॉ करके मैं आपको सिखाती हूँ जो आपने ड्रॉ कर लिया ये जो नो यस ओह वेरी गुड जो हमें यहाँ पे गैस करके यहाँ पे बताना है जो वेट लिखा हुआ है जो यहाँ पे मैं हम कौन सा चीज़ उसने वन के जी में के जी में ली थी या उसने ग्राम में ली थी ओके स्टूडेंट्स सो यहाँ पे हम बताते यानी फाइव जो फाइव वन फाइव के जी में आता है सो so, उसने के जी में लिया होगा जो फाइव ग्राम में नहीं आएगा यानी थ्री डिजिट एंड टू ट्वेंटी फाइव टेन थर्टी फोर्टी वो होगा जो वो क्या होगा ग्राम में ओके सो so, फाइव क्या आएगा सो so, के जी ओके सो नेक्स्ट वन जो वन के जी हो सकता है वन मैंने आपको बताया है था वन थाउजेंड इज इक्वल वन के जी ओके सो वन के जी टेन जो मैंने आपको बताया टू डिजिट जो के जी में भी आ सकता है इन एन ग्राम में भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे मस्टर सीट है जो यहाँ पे जी में आएगा ओके सो नेक्स्ट यानी थ्री जो यहाँ पे क्या बोल, बता, बोला जाता है यहाँ पे ओके oh, okay, जो थ्री आएगा के जी ओके सो नेक्स्ट मैंने आपको बोला था थ्री डिजिट जो फाइव हंड्रेड है दाल जो ग्राम टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम जो टी एंड पेपर टू हंड्रेड सो यानी चॉकलेट यानी पेपर जो ग्राम में आएगा ओके स्टूडेंट्स जो आपको ये टेबल अपनी नो, नोटबुक में ड्रॉ करना है ओके सो नेक्स्ट कार एंड ट्रैक्टर ओके सो यहाँ पे देखो रितु इज वेट वेटनिंग हियर बॉय ओके okay? सो so, यहाँ पे रितु उस, रितु दिन खुद के टॉयज को वो तोलवे पर वेट सिंग कर रही है ओके सी वेंस टू नाउ इफ़ हियर ट्रैक्टर इज हेवियर देन हेयर कार हाउ वुड यू हेल्प यर टू फाइंड आउट क्विकली ओके सो यहाँ पे आपको लिखना है देखो कि रितु इज़ वेटिंग सो so आपको यहाँ पे आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन लिख लेना है ओके okay? सो क्वेश्चन लिख के मैं आपको बता रही हूँ कौन क्या आंसर आएगा जो यहाँ पे बताया है कि ऋतु जो ये मेजरिंग कर रही है वेटिंग जो यहाँ पे ट्रैक्टर एंड कार जो बता रही है जो ट्रैक्टर हैवी है या कार सो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रैक्टर हैवी लगता है एंड कम है जो वो लाइटनिंग लगता है सो so, यहाँ पे बताया है कि कौन सी चीज़ हैवी होगी और कौन सी लाइटनिंग ओके स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे क्या आएगा देखो इन बैलेंस प्लेस कार इन वन पेन एंड ट्रैक्टर इन द अदर पेन जो यहाँ पे हम वन पेन पे जो ट्रैक्टर रखा है और वन पेन पे उसने कार रखी है ओके सो नेक्स्ट पेन काउंटिंग ट्रैक्टर काउंटिंग ट्रैक्टर गज डाउन सो द ट्रैक्टर इज हेवियर धैन कार जो यहाँ पे बताया है कि जो चीज डाउन होगी वो हैवी होगा यहाँ पे ट्रैक्टर है जो डाउन हो गया है सो कार इज अ ट्रैक्टर इज हेवियर धैन कार ओके सो यहाँ पे कार इज धैन हैवियर एन ट्रैक्टर इज हेवियर ओके सो डाउन हो गया है जो हैवी होगा ओके सो नेक्स्ट गेज विज इज दस्ट और रियल कार अ बस और अ ट्रैक्टर ओके सो यहाँ पे क्या बताया देखो अब हमें गेस करना है कि वास्तविक में कार हैवी होगी या बस हैवी होगी या ट्रैक्टर जो कौन से ज्यादा वो हैवी होगा जो ये हमें बताना है सो so, आपको ये क्वेश्चन लिखना है अपनी नोटबुक में इफ आई पुट टू कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर ओके सो कौन सी चीज हैवी होगी सो आंसर क्या हैवी आप ये सब टू कार्स एंड ट्रैक्टर जो आपने पेन पे आप इसे वेट्स कर सकते हो ये सो नो नो गुड सो आंसर क्या आएगा नो इफ सी पुट टू कार्स इन वन पेन दे टोटल वेट्स विल बी मोर देन ट्रैक्टर ओके जो इन दोनों पल्ले में हम पन, पेन पे हम दो दो कार्स या ट्रैक्टर हम वेट नहीं कर सकते जो उसके वेट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं ओके सो नेक्स्ट विच इज़ हेवीएस्ट थिंग यू हैव सीन अब यहाँ क्या बताया है अब आप भी बताओ कि सब सव... कौन सी चीज़ आपने ऐसी कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट होगी सो so आपको ये बताना है सो आपको ये क्वेश्चन अपने लिख लेना है सो so, आपने कौन सी चीज ऐसी होगी जो हैवी होगी सो so, यहाँ पे आंसर क्या है देखो अपने बुक में लिख लेना है ओके स्टूडेंट्स अ बस इज रियल रियली द जो आप सौथ ही यानी आपने एक बस देखी होगी जो बहुत ही हैवी एस्ट होगी ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट विच इज द थिंग यू हैव सीन ओके स्टूडेंट्स जो आपने कौन सी चीज ऐसी हैवी ऐसे में देखी होगी जो हैवीएसट थिंग आई हैव सीन इन अ प्लेन जो प्लेन भी हो सकता है एंड यहाँ पे बस भी बताइए ओके स्टूडेंट्स जो प्लेन प्लेन भी बहुत ही हैवी होगा जो फिर भी वो इतने हेवीएस्ट होगा फिर भी वो स्काई में उड़ सकता है ओके okay, स्टूडेंट्स